गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पहेली एंड पूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस वेर इट वॉज वेरी कोल्ड। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल्स through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid, and yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. सो पहेली और पूछो जो है वो ट्रिप पर जाते हैं। पहले वो लोग ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पर वो लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं, हिमालयस पर जाते हैं। वेर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पर बहुत ठंडी होती है। दे सॉ काइंड्स ऑफ ट्रीज, वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज उन्हें दिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, लाइक ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। उनके घर के आसपास के जितने ट्रीज थे उससे वो काफ़ी डिफरेंट थे। इन येट अनदर ट्री दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। मतलब वो राजस्थान जाते हैं, कैमल्स के थ्रू मूव करते हैं और हॉट डेजर्ट पे जाते हैं। वहाँ पर उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स मिलते हैं। देन फाइनली दे वेंट ऑन अ पुरी एंड विजिटेड सी बीच, और पुरी में जाके वो लोग सी बीच पर विजिट करते हैं। कैजोरेना ट्रीज वहाँ पर उन्हें मिलते हैं। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड दिस ट्रिप्स, और उन्हें एक चीज़ उनके दिमाग में आती है कि कुछ वो इतने सारे प्लेसेस पर गए, सबका क्लाइमेट जो था, वेदर जो था डिफरेंट था। कहीं काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, कुछ प्लेसेस काफ़ी ड्राई थे, कुछ काफ़ी ह्यूमिड थे। और सब जगह वहाँ पर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के थे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर आर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड आउटसाइड द होम टू। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर्स। बूझो जो है वो मतलब सोचता है कि हमारे घर में या घर के आसपास में कोई लिविंग क्रिएचर है ही नहीं। तो जैसे वो कबर्ड ओपन करता है तो उसमें उसे एक टाइनी स्पाइडर मिलता है। देन नेक्स्ट जब वो बाहर जाता है तब भी वो सोचता है कि बाहर भी कोई ऐसा डिफरेंट लिविंग क्रिएचर है नहीं। सम काइंड ऑफ अदर पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। जो वॉल्केनोज ओपन होते हैं तब वहाँ पर भी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेर दे लिव। अनदर थॉट दैट दे ऑकर्ड टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड। The desert had camels, the mountains had goats and yak. Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. These kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about surroundings? मीन्स दूसरा थॉट पहेली को ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम डिफरेंट लोकेशंस पे जो प्रेजेंट है, जहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, दे हैड कैमल्स एंड माउंटेन्स, गोट्स एंड याक्स, पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश। वहाँ पर काफ़ी सारे क्रैब्स थे, वेराइटी ऑफ फिश थी। डेजर्ट लोकेशन में वहाँ पर उन्हें कैमल और माउंटेन्स और गोट्स और याक मिले। और बींग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और पूरी में फिशरमैन जो थे वो सी को पकड़ते थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशंस। और आंट भी उन्हें मिली जहाँ पर सारे डिफरेंट लोकेशंस में वो पाई गई। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच दिस रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स? हियर इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80। सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम?
मतलब हर रीजन्स में के का जो सराउंडिंग होता है क्या वो एक जैसा होता है? नो, फॉरेस्ट में अलग होता है, माउंटेन्स पर अलग होता है, डेजर्ट में हमें अलग मिलता है, सी में अलग मिलता है. सो एनिमल प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. नाउ हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. What do you find from plants and animals listed in activity? Do you find a large variety of them? Yes. Look at what you have entered in the column for the desert and desert में हमें क्या मिलेगा? Cactus plant मिलेगा, different types of मतलब हमें ऐसे trees मिलेंगे जो कि desert में पाए जाते हैं जिसमें water कम use हो, और goats मिलेंगे, yaks मिलेंगे, camels मिलेंगे, है ना. सो डू यू लिस्ट ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम्स? व्हाट आर सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स? द सी, सी में हमें फिश मिलेंगे, क्रैब्स मिलेंगे, स्नेल्स मिलेंगे, और जो आसपास का एरिया होगा वो पूरा सॉल्टी वाटर से सराउंडेड होगा. मोस्ट ऑफ देम यूज देयर एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे एंड वेरी कोल्ड एट अ नाइट इन द डेजर्ट. दिन में डेजर्ट जो है काफ़ी हॉट होता है और नाइट में वो काफ़ी कोल्ड होता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन्स. और ये दोनों रीजन्स में हमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे. Let us look at very different kind of organism from the desert and the sea. A camel and a fish. The body structure of a camel helps to survive in desert condition. Camels have long legs which help to keep their body away from the heat of sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. Camel जो है उसकी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर जाती है डेजर्ट में, और कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं और उसकी जिससे कि उसकी बॉडी जो है हीट से थोड़ी दूर रहे, सैंड की हीट से दूर रहे. और उसका जो एक्सक्रीट होता है वो स्मॉल अमाउंट का होता है. एक्सक्रीट जो होता है काफ़ी ड्राई होता है, यूरिन काफ़ी कम वो करता है, और वो स्वेट उसे पसीना नहीं आता. और कैमल लूज़ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़. और कैमल हमेशा अपने बॉडीज़ में से कम ही वाटर लूज़ करता है, और वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सारे दिनों तक बिना वाटर के रह सकता है. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप? उनका जो शेप होता है वो कॉमन होता है. ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8. दिस शेप्स हेल्प्स देम मूव इन साइड वाटर. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट through water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. We see that the features of a fish help it to live inside water, and the features of a camel help it to survive in desert. मीन्स फिश का जो शेप होता है, जो उसके बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स होती है, वो प्रोटेक्ट करती फिश को और उससे मूवमेंट रहने में और वाटर में. जैसे कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि फिश की फ्लैट फिन्स होती है, टेल्स होती है, जिससे कि वो डायरेक्शन चेंज करने में उसकी बॉडी को हेल्प करता है, बॉडी को बैलेंस करने में वाटर में. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. और जो गिल्स जो है उसकी बॉडी में, वो उसे ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, वो उसे रेस्पिरेट करने में हेल्प करता है. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट. और फिश का जो फीचर है वो उसे वाटर में रहने में सर्वाइव करता है, और कैमल का जो है वो उसे डेजर्ट में रहने के लिए उसके जो फीचर्स है वो उसे सर्वाइव करता है डेजर्ट में रहने के लिए. So we have take two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. In all these varieties of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. कोई भी एनिमल हो या लिविंग क्रिएचर हो, जो उसके अडेप्टेशन में वो जहाँ रहता है उसी हिसाब से वो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी के फीचर्स ऐसे होते हैं और सर्टेन हैबिट्स ऐसी होती है जिसकी वजह से
उसकी बॉडी जो है वो उस और ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो अनेबल करती है और नेचुरली उस प्लेस पे रहती है। सो अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, दैट इज़ वाई फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी। इसी वजह से फिश जो है वो वाटर के बाहर नहीं रह सकती और कैमल जो है वो सी के अंदर नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट, ऐसी प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, होम, हैबिटेट मीन्स अ होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर, शेल्टर और दूसरी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, grasslands, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants or animals जो land पर रहते हैं उसे हम terrestrial habitats कहते हैं। कुछ examples है terrestrial habits के, जैसे कि forest है, grasslands है, deserts है, coastals and mountains regions है। On the other hand, the habitats of plants, here is a page number 82. Animals that live in water are called aquatic habitats. ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। देर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। काफ़ी सारे डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स, ये सारे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स जहाँ पर पाए जाते हैं जिस हैबिटेट में उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आर सनलाइट एंड हीट आर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. Now, we find that the organism exists in cold as well as a very hot climate. Isn't it? How do they manage to survive? Adaptation is the method by which organism get well adjusted to the climate. Or एडेप्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी क्लाइमेट में वो मीन्स एडजस्ट कर लेता है। नाउ हियर इज़ अ पेज नंबर 83। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट्स। अडेप्टेशन एक ऐसी है चीज़ है जो कि टेक्स प्लेस इन द शॉर्ट टाइम। द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंजेस वेरी स्लोली। बट अबायोटिक जो फैक्टर्स है अडेप्टेशन के वो काफ़ी धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस, जो ऑर्गेनिज्म इन सारी चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते वो डाई हो जाते हैं एंड ओनली अडेप्ट वन सर्वाइव। और जो अडेप्ट कर लेता है वो सर्वाइव कर जाता है। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। नाउ अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वी हैव डेजर्ट। We discussed the abiotic factors of desert and adaptations in camels. What about other animals and plants that are found in deserts? Do they have the same kind of adaptations? No. क्योंकि adaptations desert में different होते हैं, different plants और animals हमें पाए जाते हैं और दूसरे सारे places पर different. There are desert animals like rats, snakes which do not have long legs that a camel has to stay away from the intense heat during the day. They stay in burrows deep in the sand. These animals comes out only during the night when it is cooler. Desert के जो animals हैं जैसे कि rat है, snake है, उनके which do not have long legs, उनके long legs भी नहीं हैं,
जैसे कि कैमल के हैं, तो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट, जब इतनी ज़्यादा गर्मी से उन्हें दूर रहना है तो वो लोग बरोज में डीप सैंड में मूव कर जाते हैं। दिस एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट, और ये सारे एनिमल्स जो है वो रात के टाइम में ही बाहर आते हैं जब कूलर, जब से कंडीशन जो है एटमोसफेयर की वो कूल होती है। नाउ 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ आर दीज अडैप्टेड टू द डेजर्ट। ये सारे 9.5 में सम टिपिकल प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, लाइक कैक्टस। नाउ वी हैव माउंटेन रीजन्स, दिस इज योर पेज नंबर 84। दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, इन सम एरिया स्नोफॉल मे टेक्स प्लेस इन विंटर्स, देर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6, ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटेट। इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बट हैव एवर यू नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। जो ये जो माउंटेन में जो हैबिटेट कर रहे हैं जो ट्रीज हैं वो दूसरे रीजन में ईजिली ग्रो कर पाते, हाउ आर दिस अडेप्टेड टू द दिस ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप, ये जो है कोन शेप है, ये पाइन ट्रीज एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग है। द लीव्स ऑफ सम दिस ट्रीज आर नीडल लाइक, और उसकी जो लीव्स है वो नीडल टाइप होती है। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड्स ऑफ ईजिली, और रेन वाटर और स्नो जो अगर उस ट्री पर आती है तो वो ईजिली स्लोप कर जाती है। देर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं जो उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है फर होते हैं काफ़ी थिक होते हैं जिससे कि वो उसे कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। यू कैन सी दिस इज लियोपर्ड, दिस इज याक। नाउ स्नो लियोपर्ड याक एंड माउंटेन गोट आर अडेप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। नाउ इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, इट्स प्रोटेक्ट फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। द माउंटेन goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptation at different heights. Means उनके जो feet और toes होते हैं वो उसे protect करते हैं cold से, जिससे कि जब वो snow पर चले तो जो cold है उसकी body को direct contact में ना आए। The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes, और उसके strong hooves होते हैं leg पर, जिससे कि वो स्लोप पे और माउंटेन्स पे अच्छे से रन कर सके। एज वी गो अप ऑन द माउंटेन्स रीजन्स द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन एंड डिफरेंट हाइट्स। हर हम जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन्स पे जाते हैं तो हमें उसके हर डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस मिलते हैं। नाउ हियर इज़ अ नेक्स्ट ग्रास लैंड्स, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इन साइड द टोज, डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। लायन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है या तो ग्रासलैंड में, और वो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, वो हंट करता है डियर जैसे एनिमल्स को। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, वो लाइट ब्राउन कलर में होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन दैट ऑफ डियर, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ फॉर दीज टू एनिमल्स, आप देख सकते हैं कि उन दोनों की आईज जो है वो डिफरेंट है। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स, उसके जो क्लॉज है फ्रंट लेग्स के काफ़ी बड़े हैं। विड्रॉन इन साइड द टॉस, डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट्स टू हाइड इन ड्राई ग्रास, उसके जो लाइट ब्राउन कलर है उसके जो फर के वो उसे ड्राई ग्रास में छुपने के लिए उसे हेल्प करता है, जिससे कि वो अपना शिकार जो है वो इजीली कैच कर सके। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स
प्रे, जो उसकी आईज है, जो उसके फ्रंट फेस पर है, जिससे कि जो उसका प्रे है, जैसे कि जो उसका शिकार आ रहा है, जिसको उसे हंट करना है, वो इजीली उसकी करंट लोकेशन कैच कर सके। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, मीन्स जो उसे खाने वाले होते हैं वो उसकी प्रेजेंस उसे ईजिली पता चल सके। और डियर अनदर एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, उसके टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि वो हार्ड प्लांट्स को चू कर सके। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। उसके जो ईयर्स है वो काफ़ी लॉन्ग है, जिसकी वजह से उसे प्रीडेटर्स की जो साउंड है वो उसे पता चल जाए। द आईज ऑन द अदर साइड्स ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और उसकी जो स्पीड है वो, मतलब जो उसकी रनिंग है वो काफ़ी फास्ट है, जिस वजह से वो प्रीडेटर से काफ़ी दूर वो भाग जाता है। देर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन एंड अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। सो हियर इज़ योर लेसन नंबर 9 इज फिनिश्ड एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट इज़ फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पार्ट ऑफ दिस लेसन and new topics of this lesson, some aquatic habitats, oceans, etc. I hope this video will help you to learn at home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.